वाकई में कच्चा तेल डायनासोर्स के जीवाश्म से हमें मिला है? ये एक फैक्ट है या फिक्शन? जो आप लाइटर यूज करते हैं, पॉकेट लाइटर, उस लाइटर में कौन सी गैस अवेलेबल होती है? पेट्रोल कहाँ से निकलता है? डीजल कहाँ से बनता है? और जो हम लोग कैरोसिन यूज करते हैं लैंप जलाने के लिए, वो कैसे बनता है? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको क्रूड ऑयल के बारे में और उसमें पाए जाने वाले और तेलों के बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज एक्सप्लोरर में। आई होप आप लोग बहुत बेहतर कर रहे होंगे अपने लाइफ में और अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफी अच्छे से रख रहे होंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि हमें जो अब तक पता है कि डायनासोर से हमको क्रूड ऑयल मिला है, तो ये पूरी तरीके से एक फिक्शन, एक काल्पनिक है। क्योंकि जो हमें क्रूड ऑयल मिला है वो 2 साल 4 साल या 1000 साल की तपस्या से नहीं बना है, ये करोड़ों साल के नेचुरल फिनोमेना से बना हुआ है। जब हमारे पृथ्वी पर डायनासोर नहीं थे, उससे पहले जो जानवर, जो प्लांट मर चुके थे, उनके जीवाश्म से आज हमको क्रूड ऑयल या कच्चा तेल देखने को मिलता है। तो आइए बात करते हैं कि ये कच्चा तेल आखिर कहाँ मिलता है, कैसे बनता है। तो समुद्र के अंदर या किसी भी वाटर बॉडीज के अंदर जब कोई मरीन प्लांट यानी जलीय पौधा या जलीय जानवर उसी में मर जाते हैं, जो कि अभी से हजारों करोड़ों मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे हमारे पृथ्वी पर, डायनासोर से भी जो पहले हुआ करते थे, तो जब उनकी मौत हो जाती थी तो उनके जो पार्टिकल्स होते थे, उनका जो डेड बॉडी होता था, वो जल के एकदम निचले स्तर में पहुंच जाता था। उसके बाद उस जलीय पौधे का, उन जलीय जानवरों का डिकम्पोज होने लगता था, बैक्टीरिया के द्वारा उनका बॉडी डिकम्पोज हो जाती थी। तो डिकम्पोज होने की वजह से दो प्रक्रिया होती थी, जिसमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर जैसे मैटर बाहर निकलते थे, और ये सारी गैस बाहर निकलने के बाद जो रिमेन रह जाता था उसे हम लोग स्लज बोलते थे, जो कि बनता था कार्बन और हाइड्रोजन से। तो जैसे ही उनकी डेड बॉडी से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती थी, ऑक्सीजन निकल जाती थी, तो जो डिकम्पोज होने की जो प्रतिक्रिया थी वो स्लो डाउन हो जाती थी, जिसके वजह से करोड़ों साल तक डिकम्पोज होता था। जैसे ही टाइम बीतता रहता था, उसके ऊपर लेयर की परत जमने लगती थी, थल में जम गई थी, उसके बाद से उसके ऊपर से बालू के, मिट्टी के और कंकड़ पत्थर की लेयर्स बिछती गई। उसके बाद उस लेयर बिछने से क्या हुआ कि 10,000 फीट तक अगर वो लेयर बन गई, तो पृथ्वी से जो प्रेशर पड़ता था उस लेयर पे और जमीन के निचले हिस्से से जो हीट ज्यादा डेवलप होती थी, जो हीट ज्यादा निकलती थी, तो ज्यादा हीट और ज्यादा प्रेशर होने की वजह से कई हजारों साल तक ये हीट और प्रेशर होने की वजह से ही इसमें से क्रूड ऑयल का फॉर्मेशन होता था, यानी कच्चा तेल फॉर्म होता था। क्रूड ऑयल के साथ साथ, यानी कच्चा तेल के साथ साथ, नेचुरल गैस भी यहाँ से बाहर निकलती थी। तो कई हजारों साल तक जब ये प्रोसेस होता था, तो सबसे पहले जो वहाँ से निकलता था वो पेट्रोलियम निकलता था, जो कि एक प्लैंकटन लेयर के थ्रू फॉर्म्ड होता था, जो कि डिपेंड करता था कि कितना ज्यादा उस पे प्रेशर और हीट अप्लाई की गई है। तो प्रेशर और हीट की अप्लाई करने की डिफरेंट डिफरेंट प्रतिक्रिया से ही डिफरेंट टाइप के मटेरियल देखने को मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो आइए बात करते हैं कि क्रूड ऑयल है क्या, यानी कच्चा तेल क्या है। तो आपको हम बताएं कि पेट्रोलियम जब निकलता है, तो पेट्रोलियम से कम 6,000 तरीके के प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। उसमें से एक प्रोडक्ट है हमारा क्रूड ऑयल, यानी कच्चा तेल। तो क्रूड ऑयल को हम सब कच्चा तेल के नाम से भी जानते हैं। इस तेल को लगातार रिफाइन करने पर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। आम भाषा में जाने तो इसे गर्म करके और तापमान के आधार पर अलग अलग चीजें उससे निकाली जाती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करके, क्या क्या चीज उससे फॉर्म होती है, क्या क्या चीज बाहर निकलती है, बताते हैं आपको। अलग अलग तापमान के आधार पर जो अलग अलग चीजें निकलती हैं, तो पहली चीज है गैस। क्रूड ऑयल को काफी ज्यादा रिफाइन करने पर ब्यूटेन और प्रोपेन नाम की प्राकृतिक गैस मिलती है। इन पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल कुकिंग में की जाती है। इसे इस क्रूड ऑयल का सबसे फाइन पार्ट माना जाता है। दूसरा प्रोडक्ट जो निकलता है वो है पेट्रोल। इसके बाद रिफाइन करते हुए पेट्रोल निकाला जाता है, ये काफी ज्यादा रिफाइन हो जाता है। तीसरा प्रोडक्ट निकलता है हमारा डीजल, और कहा जाता है कि यह पेट्रोल से भी कम शुद्ध होता है। उसके बाद केरोसिन। केरोसिन को हम लोग बोल सकते हैं मिट्टी का तेल, जो कि इसी से ही हवाई जहाज का फ्यूल भी बनाया जाता है। पांचवा है नेफ्था। पेट्रोल आदि निकालने के बाद नेफ्था बचता है, इससे लाइटर आदि में इस्तेमाल किया जाता है। जो कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि लाइटर में कौन सा पदार्थ यूज होता है, तो लाइटर में नेफ्था नामक पदार्थ यूज होता है।
उसके बाद नेपाम जो कि एक ज्वलनशील पदार्थ है, इसे भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। नेफ्था और नेपाम फ्यूल ऑयल की कैटेगरी में आता है। छठा है हमारा मोटर ऑयल। मोटर ऑयल कच्चे तेल का एक रूप है जो बाद का बचा हुआ हिस्सा होता है। क्रूड ऑयल में गैस और तरल ईंधन निकालने के बाद इंजन मोटर ऑयल तैयार किया जाता है। सातवां हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल। यह क्रूड ऑयल का बचा हुआ हिस्सा है, इससे कई तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें ही मोटर ऑयल, पेट्रोलियम जेली, मोम आदि शामिल होते हैं। आठवां हमारा कोल टार। क्रूड ऑयल के बायो प्रोडक्ट के तौर पर डामर निकलता है, इसे हम लोग एस्फॉल्ट, चारकोल या कोल टार भी कहा जाता है। ये कोल टार कहाँ यूज होता है? इस कोल टार का यूज हम लोग सड़क के निर्माण में यूज करते हैं, जिसको हम लोग डामर भी बोल सकते हैं। और हमारा लास्ट है प्लास्टिक। जो आज पूरी दुनिया में प्लास्टिक हम लोग यूज कर रहे हैं वो किसी और चीज से नहीं, इसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके जो लास्ट पार्ट्स बनते हैं उसी से ही हमारी प्लास्टिक बनती है। हमारी रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली जो प्लास्टिक है वो भी क्रूड ऑयल का बाय प्रोडक्ट है। वर्तमान में दुनिया भर में मिलने वाला जो प्लास्टिक है वो कच्चे तेल से ही तैयार किया जाता है। कच्चे तेल को जब अलग अलग तापमान पे उबाला जाता है तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स निकलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग क्रूड ऑयल को 110 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो उसमें से पेट्रोल निकलता है, और उसी क्रूड कच्चे तेल को अगर हम लोग 260 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो डीजल बनता है, 180 डिग्री पर हीट करते हैं तो केरोसिन बनता है यानी मिट्टी का तेल बनता है। लेकिन अगर यही क्रूड ऑयल 500 डिग्री फ़ारेनहाइट के पार हो गया, अगर उसको टेम्परेचर 500 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा दे दिया गया तो किसी भी तरीके का प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, न ऑयल फॉर्मेशन होगा न गैस फॉर्मेशन होगा, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग हाई करते हैं तो वैसे वैसे लाइटर पेट्रोलियम जैसे पदार्थ निकलते हैं जो बहुत लाइट वेटेड होते हैं। लेकिन अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कम हो तो जो मटेरियल होते हैं वो काफी थिक होते हैं, जैसे कि एस्फाल्ट वगैरह। तो भारत में सबसे ज्यादा अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है? तो आपको बताएं कि भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हमारा असम में है, जो कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। असम के माकूम क्षेत्र में ये तेल प्राप्त हुआ था। तो पेट्रोलियम सबसे ज्यादा तो असम में होता है, लेकिन तेल उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है हमारे भारत में? तो बॉम्बे हाई जो है वो तेल क्षेत्र है हमारे भारत में, जहाँ पे सबसे ज्यादा तेल मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको काफी पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। हैव अ नाइस लाइफ।